नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ट्विटर यूजर हैं तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्विटर के दी मोस्ट अमेजिंग फीचर के बारे में, विच इज ट्विटर सर्कल। इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं, यूज कर सकते हो ट्विटर पे। वीडियो एंड तक देखना काफी इंटरेस्टिंग होगी। शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ये फीचर जो है एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए वर्किंग है। उसके साथ साथ जिन लोगों को नहीं पता कि ट्विटर सर्कल एक्चुअली क्या है और कैसे ये काम करता है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसमें मैंने बताया कि एक्चुअली ट्विटर सर्कल कैसे है। एकदम वन वर्ड में बताऊं तो ये काफी ज्यादा सिमिलर है यहाँ पे इंस्टाग्राम क्लोज फ्रेंड स्टोरीज की तरह। तो हम चलते हमारी फोन की तरफ, कैसे आपको इसको इनेबल करना है एंड यूज करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी ट्विटर एप्लीकेशन लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर लेनी होगी ऐप स्टोर प्ले स्टोर से। आफ्टर दैट जैसे आप ट्विटर पे आएंगे तो आप मेक श्योर मेरे को फॉलो भी कर लेना, वहां पे मैं अमेजिंग ट्वीट्स जो है करता रहता हूं। उसके बाद गाइस आप देखेंगे तो यहां पे आप सभी को पता ही होगा, जब भी आप कोई ट्वीट करते हैं तो आपको जो है यहां पे इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप जो है यहां पे ट्वीट टाइप कर देते हैं। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं, बहुत शॉर्टकट मैंने टाइप कर दिया। तो इसके बाद जब भी आप इसको पोस्ट करते हो तो एवरीवन पे जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ पे ट्विटर सर्कल में इसको रिलीज करना, जैसे सिलेक्टिव लोगों के लिए, अपने फॉलोअर्स में दिखाता हूँ, तो ये सारे मेरे फॉलोअर्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ इनमें से दो तीन यूजर्स के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्वीट शेयर करना, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप कुछ भी ट्वीट टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया, अगर आप चाहते हो यहाँ पे फोटो ऐड करना, गिफ ऐड करना या फिर और भी बहुत सारी लोकेशन और ये सब चीज़ ऐड करना, तो आप ये नीचे से कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेगा एवरीवन का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन आएगा ट्विटर सर्कल का। तो यहाँ पे आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्कल फ्रेंड्स में जो है शेयर होगी, यानी ट्विटर सर्कल में शेयर होगी। तो मेरे सर्कल में जो है कोई भी अभी अकाउंट नहीं है, तो आपको जाना है रिकमेंडेड पे एंड आपके सामने जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आ जाएंगे। जैसे मेरे पास बहुत ही कम फॉलोअर है, लिमिटेड फॉलोअर है, तो यहाँ से मैं जो है सिलेक्टिव यूजर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इनको ऐड कर दिया। आप देख सकते हो कि जैसे मैंने इनको भी ऐड कर दिया, मनीष यादव को भी ऐड कर दिया, ये सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, इनको मैंने ऐड कर दिया। तो ये मेरे तीन फॉलोअर्स को जो है मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद देख सकते हो एवरीवन की जगह आपको लिखा रहा है ट्विटर सर्कल एंड नीचे आप देखेंगे ओनली योर ट्विटर सर्कल कैन व्यू। तो यहाँ पे मैं जो है इसको ट्वीट कर दिया, आप देख सकते हो। तो मैं एक बार देखता हूँ एंड इस तरीके से जो है लोगों को दिखाई देगी, आप देख ही पा रहे होंगे कि नीचे लिखा रहा है, पता चल जाएगा कि मैंने जो है उनको ट्विटर सर्कल में ऐड कर रखा है, यानी वो सिलेक्टिव यूजर्स को ऐड कर रखा है। अगर आप चाहते हो और भी लोगों को ऐड करना, तो आप एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करके रिकमेंड पे जाके और लोगों को ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो रिमूव करना, तो आप यहाँ से जो है इन लोगों को रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, गॉट इट पे क्लिक करते। देखने लायक चीज़ है कि आपकी ट्वीट को जो है रीट्वीट नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उसने रीट्वीट कर दी तो यहाँ पे ये जो है सर्कल ट्वीट नहीं रहेगी, एक तरीके से प्राइवेट ट्वीट नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। होप दोस्तों आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे जो आपको ट्विटर सर्कल फीचर यूज करना है अपने ट्विटर में। आप जो यहाँ पे ट्विटर सर्कल ट्वीट्स बना सकते हो एक तरीके से, जैसे आप जो भी ट्वीट करते हो पब्लिकली करते हो। ये उन लोगों के लिए ज्यादा सही है जो ट्विटर जो है फैमिलियर यूज करते हैं। अगर आप पॉलिटिशियन या फिर पब्लिक फिगर नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तो आप जो यहाँ पे जैसे आपके फ्रेंड्स है, तो आप फ्रेंड्स के लिए जो है सेपरेट एक ट्वीट कर सकते हो। जैसे कल पार्टी है या फिर कल हम घूमने जा रहे हैं या फिर कोई भी स्पेशल आप चाहते हो सिर्फ स्पेशल वंस को दिखाई दे, तो आप वो सब जो है यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा फीचर है। आप लोग बताना कैसे लगे फीचर। इतना था वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जो से करना, शेयर जो से करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ऐसी वीडियोस रोजाना आप चैनल लाता रहता हूं। मिलता हूं नई वीडियो तब के लिए। बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।